हरियाणा चुनाव में हर दल और गठबंधन जो राजमाइश कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा या फिर जजपा और बसपा इनेलो गठबंधन, हरियाणा में हर पार्टी और गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच हरियाणा के जिंद में 25 सितंबर को बसपा इनेलो गठबंधन की बड़ी रैली हुई। इसमें पहली बार मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती उतरी। इससे पहले प्रदेश में बसपा की कमान आकाश आनंद ने संभाल रखी थी। अपने इस पहले संबोधन में बहन जी ने गठबंधन की सरकार बनने पर सरकार कैसी होगी इस बारे में स्थिति साफ कर दी। ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि फिर सरकार बनने पर गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय चौटाला जी को ही बनाया जाएगा, जिनको मेरे आशीर्वाद के साथ साथ इनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे मान्य चौधरी देवीलाल जी का भी हमेशा इन पर आशीर्वाद बना रहा है। इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से बीएसपी का एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का, बीएसपी की ओर से एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का तथा दूसरा डिप्टी सीएम अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा। ये डिप्टी सीएम कौन होंगे इसका फैसला चुनाव का नतीजा आने के बाद ही लिया जाएगा। दोनों दलों के बीच यह तीसरी बार गठबंधन हो रहा है। पहली बार गठबंधन 1996 में हुआ था, तब बसपा की कमान माननीय कांशीराम जी के हाथों में थी। बहन जी ने अपने भाषण में माननीय कांशीराम को भी याद किया। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अंबेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर, बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या dalit10tak@gmail.com पर ईमेल करें। जब माननीय श्री कांशीराम जी जीवित थे और हरियाणा प्रदेश में आते थे, आप लोग बड़े दुखी थे कि हमारे पास रोटी रोजी के साधन नहीं है, हमारे पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। तो उस समय आप लोग एक नारा लगाते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, आप लोग एक नारा लगाते थे, लेकिन वो नारा आपका पूरा नहीं हो रहा पा रहा था हरियाणा में। और ये कब होगा? जब आपकी सरकार बनेगी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चार बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला, तो उत्तर प्रदेश में हमने बड़ी संख्या में लाखों लाखों लोगों को, जो दलित वर्ग के लोग थे और जो गरीब लोग थे अन्य समाज में, उनको हमने किसी किसान भाई की एक इंच भी जमीन छीनकर हमने भूमि इन लोगों में नहीं बांटी थी, बल्कि सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, उस सरकारी जमीन के दो दो तीन तीन एकड़ के पट्टे काटकर हमने भूमिहीन लोगों को, जो गरीब लोग हैं भूमिहीन लोग, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको खेती करने के लिए हमने फ्री दी। और इतना ही नहीं, आपको ये भी मालूम है कि जहाँ पर दलित बस्तियाँ होती हैं तो वहाँ जाते ही मालूम पड़ जाता है हर गाँव में, गांव देहात में, कि यहाँ पर दलित वर्ग के लोग रहते हैं। क्योंकि जो भी पार्टियां सत्ता में आई, उन्होंने आपकी दलित बस्तियों को विकसित नहीं किया। लेकिन जब हमारी पार्टी की सरकार बनी, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत, तो जहां पर दलित लोग रहते थे, हमने गांव चिन्हित किए अधिक तादाद में, उनको हमने इस योजना के तहत उनको सुविधा मुहैया कराई, उनको सुविधा उपलब्ध कराई और उनको विकसित किया, डेवलप किया। साफ है कि दलित समाज का उपमुख्यमंत्री और सरकारी जमीनों पर भूमिहीनों को और गरीबों बहुजनों को पट्टे देने की घोषणा कर बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा की राजनीति में एक नई बिसात फेंक दी है।
अब देखना होगा कि इसका क्या असर वहाँ की जनता पर होता है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटें हैं, जिसमें 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल और 37 सीटों पर बसपा चुनाव मैदान में है। यह गठबंधन इस बार प्रदेश की राजनीति में कितनी मजबूत बनकर उभरेगी, यह 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।